साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में जबरदस्त उलटफेर हो चुका है। उद्धव ठाकरे की सरकार जा चुकी है और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सेनापति बन चुके हैं और अब एकनाथ के हवाले सरकार है, जबकि हैरानी भरे अंदाज में देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब शिवसेना की सरकार गई तो सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए आ गई जो कि शिवसेना में सबसे ज्यादा मुकर होकर बयान दे रहे थे, और उनमें पहला नाम है संजय राउत जी। हाँ, संजय राउत फाइनली ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि संजय राउत ऐसे ही ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे, बल्कि वो यहाँ लाए गए हैं। सरकमस्टेंसेस ऐसे बनाए गए कि उन्हें यहाँ लाया गया, उनका डर उन्हें यहाँ पहुंचा गया, नहीं तो दोपहर 3 बजे बहुत बड़ा एक्शन होने वाला था। और यही नहीं, ईडी को इस बार जो नए सबूत मिले हैं, बेनामी संपत्तियों पर नए सबूतों के आधार पर पूछताछ चल रही है, जिससे बहुत कुछ निकल सकता है और देर शाम तक बहुत कुछ हो सकता है। संजय राउत की परेशानी कई गुना बढ़ गई है। खबर तो यहाँ तक है कि आज ही शाम बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है, बड़ा बवाल हो सकता है। तो क्या है पूरा अपडेट आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत ठीक दोपहर 12 बजे मुंबई में ईडी के दफ्तर पहुंच गए। संजय राउत को ईडी ने समन किया था और शुक्रवार यानी कि आज पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि पिछली बार संजय राउत ने समन को आगे बढ़ाने की मांग की थी, मगर आज तो संजय राउत को हर हाल में पेश होना था और वही हुआ भी। संजय राउत पूछताछ के लिए पहुंचे और सीधे ही संजय राउत को सेकंड फ्लोर पर स्थित इंटरोगेशन रूम में ले जाया गया। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बड़ी खबर बता दें कि संजय राउत आज का समन भी जवाब नहीं दे सकते थे। जी हां, ऐसी खबरें आ रही थी कि संजय राउत शायद आज भी नहीं पहुंचते और आज भी वो ईडी से तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर सकते थे, लेकिन अचानक संजय राउत अपीयर हो गए, अचानक ईडी दफ्तर पहुंच गए। अब ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि संजय राउत को दोपहर 12 बजे बुलाया गया था और ईडी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी कि अगर संजय राउत नहीं पहुंचते हैं, समन का जवाब देकर यहाँ नहीं आते हैं, तो फिर क्या होगा, ईडी क्या करेगी। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अगर संजय राउत पूछताछ के लिए नहीं पहुंचते तो उनका अगले 3 घंटे इंतजार किया जाता, और जब दोपहर 3 बजे तक भी संजय राउत नहीं पहुंचते तो सूत्रों के मुताबिक संजय राउत के घर पर ईडी की टीम धमक सकती थी, पहुंच सकती थी और संजय राउत को साथ में चलने के लिए कह सकती थी, और इसकी भनक संजय राउत तक भी पहुंच गई थी। और इसीलिए बेइज्जती से बचने के लिए, जलालत से बचने के लिए संजय राउत ने चुपचाप समन मान लिया और सीधे ईडी दफ्तर पहुंच गए। अब ईडी सूत्रों के हवाले से खबर है कि संजय राउत के खिलाफ ईडी को कई नए सबूत भी मिले हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर ईडी सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। अलीबाग और मुंबई के सबर्बन इलाके में कई तरह की बेनामी संपत्तियों के आरोप लग रहे हैं और इसे लेकर ईडी को सबूत मिले हैं, ये खबर आ रही है। और संजय राउत से उसी को लेकर पूछताछ चल रही है। और यही नहीं, पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत की भूमिका क्या है, और अगर संजय राउत को किसी तरह का फायदा पहुंचाया गया तो क्या फायदा पहुंचा, उनकी पत्नी का क्या रोल है, ये सारे के सारे सवाल जवाब संजय राउत से किए जा रहे हैं। और बड़ी बात यह भी है कि संजय राउत पहले ही इन सारे आरोपों को नकार चुके हैं और यहाँ पूछताछ में भी नकारेंगे, लेकिन ईडी ने पुख्ता सबूतों के साथ पूरी तैयारी की है। नए सबूतों से संजय राउत की बोलती बंद करने की तैयारी है, संजय राउत को घेरने की तैयारी, और वही यहाँ ईडी दफ्तर में हो रहा है। अंदर लगातार पूछताछ जारी है, संजय राउत को पटखनी देने की तैयारी है। अब बड़ी बात यह है कि फिलहाल तो पूछताछ जारी है, लेकिन आज शाम तक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है और संजय राउत पर शिकंजा पूरी तरह से कस सकता है, संजय राउत पर सबसे बड़ा एक्शन हो सकता है। जी हां, ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि संजय राउत को देर शाम तक पूरी तरह से दबोचा जा सकता है, क्योंकि संजय राउत को सीधे सीधे कहा गया है कि उनको सारे के सारे सवालों के जवाब देने हैं, और अगर सवालों के जवाब नहीं देते हैं तो इसे माना जाएगा कि वो जांच में सहयोग नहीं करें। और इससे पहले भी अगर इस बार भी यानी कि शुक्रवार और आज जो कि संजय राउत पूछताछ के लिए पहुंचे हैं, अगर वो आज भी नहीं पहुंचते तो यही माना जा रहा था, यही कहा जा रहा था ईडी की तरफ से कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और इसी बिना पर यानी कि इसी लाइन पर कि जांच पर सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसी के आधार पर बड़ा और कड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। तो सबसे बड़ी खबर मुंबई से ही है, संजय राउत के साथ पूछताछ जारी है, देर शाम तक बड़े एक्शन की खबर आ सकती है। तो क्या वाकई संजय राउत ने गड़बड़ी की होगी, या फिर बीजेपी के खिलाफ बोलने का खामियाजा संजय राउत को भुगतना पड़ रहा है, या फिर वजह कुछ और ही हो सकती है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को अभी शेयर भी करें।
तो महाराष्ट्र में जिसकी कल्पना भी शायद शिवसेना और संजय राउत ने नहीं की होगी वो हो गया, उनकी सरकार चली गई, उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ गया और करीब करीब ढाई साल में उनकी सरकार का बोरिया बिस्तर बन गया। अब बीजेपी फिर से सत्ता में है, देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री। अब जब देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी विपक्ष में थे तो फडणवीस ही सबसे ज्यादा मुखर होकर सरकार पर, सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगाते रहे और फडणवीस के आरोपों के बाद नवाब मलिक के खिलाफ भी एक्शन हुआ। नवाब मलिक को जेल भेजा गया, ईडी की जांच और केस दोनों चल रहे हैं। और वहीं संजय राउत और फडणवीस के बीच भी खासी जुबानी जंग हुई और ईडी ने इस बीच संजय राउत पर भी शिकंजा कस लिया है। करीब 1034 करोड़ के पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत पर भी आरोप लगे, उनकी पत्नी पर भी आरोप लगे और राउत को ईडी ने समन भेज दिया। हालांकि अभी तक संजय राउत की गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि वो शिवसेना के ताकतवर प्रवक्ता थे और महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार चल रही थी। लेकिन अब मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है क्योंकि अब शिवसेना विपक्ष में आ गई है और सत्ता बीजेपी के पास है और संजय राउत का मामला अब और ज्यादा बिगड़ गया है। संजय राउत बीजेपी के पहले और सबसे पहले निशाने पर आ गए हैं क्योंकि न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस के साथ संजय राउत के 36 के आंकड़े थे बल्कि जो शिवसेना के बागी विधायक हैं एकनाथ शिंदे हैं उनके साथ भी संजय राउत ने तीखी बातें कही थी, उनको लेकर भी संजय राउत ने बहुत कुछ कहा था और वो पूरा ग्रुप भी संजय राउत से नाराज बताया जा रहा है और संजय राउत पर एक्शन चाहता है। जी हां, ऐसी बातें महाराष्ट्र से आ रही हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे ज्यादा मुश्किल संजय राउत को ही आने वाली है क्योंकि अब तक उन्हें ईडी के समन तो मिल रहे थे लेकिन बड़ा एक्शन और कड़ा एक्शन हो नहीं रहा था, मगर उनकी अब सारी पावर चली गई है तो अब बड़े और कड़े एक्शन की तैयारी है। खुद देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कहा है कि जिसने भी गलत किया है उसे अब वो छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, सबकी जांच होगी। फडणवीस ने तो यहाँ तक कह दिया कि पिछली सरकार यानी कि महाविकास अघाड़ी सरकार में हुए कामों की जांच होगी और जांच के बाद गड़बड़ी पाई गई तो एक्शन भी होगा। और साथ ही साथ फडणवीस ने ये भी कहा है कि जिन लोगों पर सेंटर यानी कि केंद्र की एजेंसियों के केस चल रहे हैं उनकी जांच चल रही है, उनके खिलाफ राज्य में अगर कुछ गलत मिलता है तो फिर राज्य की पुलिस राज्य में भी उनके कानून काम लेगा, एक्शन लेगा और कड़ा एक्शन होगा। अब यहाँ पर सीधे सीधे इशारा नवाब मलिक अनिल देशमुख के साथ संजय राउत पर भी है क्योंकि इन तीनों पर ही सेंट्रल एजेंसीज के केस चल रहे हैं। संजय राउत ही बीजेपी को, फडणवीस को खुली चुनौती देते रहे हैं कि दम है तो उन्हें गिरफ्तार करें, दम है तो उन्हें अरेस्ट करें, एक्शन लेकर दिखाएं। और अब साफ साफ देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि एक्शन होगा, कड़ा होगा, बड़ा होगा, भरपूर होगा और जिससे साफ है कि संजय राउत के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। संजय राउत पर पात्रा चौल घोटाले में बहुत बड़े आरोप हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है तो फिर उन्हें भी मुंबई की उसी आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा जहां नवाब मलिक को रखा गया था और नवाब मलिक को बिल्कुल सिक्योर सेल में रखा गया था। और आर्थर रोड जेल सूत्रों से खबर है कि नवाब मलिक के पास वाली बगल वाली सेल को खाली कराया गया है, उसकी सफाई कराई गई है जिससे यहां पर बड़े संकेत मिल रहे हैं, बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर पात्रा चौल घोटाला संजय राउत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल, एक तरह से उनके लिए फांस बन गया है। राउत का आगे का जीवन बेहद ज्यादा मुश्किल होने वाला है और बेहद ज्यादा संभावना इस बात की है कि संजय राउत को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और वैसे तो संजय राउत उस तरह के तेवर अब नहीं दिखाएंगे लेकिन अब अगर आदत अब भी नहीं सुधरी और वैसे ही तेवर संजय राउत ने दिखाए, पूछताछ में सहयोग नहीं किया, ईडी संतुष्ट नहीं हुई तो फिर बैंड बजेगा, बड़ा वाला बैंड बजेगा और तय हो जाएगा कि ईडी कड़ा एक्शन लेगी। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में नई सरकार का पहला निशाना संजय राउत हो सकते हैं। संजय राउत ने जिस तरह से बीजेपी नेताओं पर हमले किए थे, जिस तरह से उन्हें जवाब दिए थे, माना जा रहा है कि संजय राउत पर भी उसी तरह से एक्शन हो सकता है। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई संजय राउत को अब भी जेल भेजा जाएगा या फिर संजय राउत के साथ कुछ और होगा? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।